माय नेम इज सुगंधा और आज हम सीखेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी में एक टॉपिक है आपका डिफरेंशियल, तो उसके बेसिक फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशियल में हमारा ऑपरेटर होता है डी बाय डी एक्स। ये डी बाय डी एक्स का मतलब है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ओके, और जिस फंक्शन का होगा वो भी हमारा इसमें एक्स का कोई फंक्शन होना चाहिए, यानी डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स इसे हम रीड करेंगे, वेयर एफ एक्स इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स। अब सपोज डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, वेयर एन इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 एनी नंबर, देन डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डी बाय डी एक्स करें एक्स की पावर 2 का, तो क्या होगा 2 एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 एक्स। तो डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। तो इसका कैसे करेंगे, इसे हम स्प्लिट कर लेंगे, डी बाय डी एक्स ऑफ 2x क्यूब प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 1। देन अब इसमें क्या होगा, 2 कांस्टेंट है, x क्यूब का करेंगे तो x की पावर 3, तो 3 एज इट इज आ जाएगा और x की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2 प्लस इसमें 3 एज इट इज आएगा और x की पावर 1 माइनस 1 प्लस 1 कांस्टेंट टर्म का। कॉन्स्टेंट टर्म का क्या मतलब, x की पावर 0, तो इसका जब हम करेंगे 0 इंटू x की पावर 0 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 0, इसीलिए इसका डिफरेंशियल 0। तो 3 टू 6 x स्क्वायर प्लस